हेलो फ्रेंड्स, तो आज किस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि एक भाई ने कमेंट किया है कि सर हमारे घर में बिजली कनेक्शन है और हम लोग कोई घर पे रहते नहीं है और मीटर लगा हुआ है वहाँ पर महीने टू महीने बिल जनरेट होता है, बनता है बिल, कुछ ना कुछ आता है और हमें भरते हैं हम, तो ये क्यों आता है और क्या कारण है जो बिल जनरेट होता है, हम घर में नहीं रहते हैं, एक भी यूनिट बिजली जलता ही नहीं है तो फिर बिल क्यों आता है, वो ज़रा हमें बताइए। तो आज किस वीडियो में दोस्तों हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ही समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आपको भी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बिल क्यों आता है इसके बारे में, तो भाई साहब जिन्होंने भी आपने कमेंट किया है उसको बता दूं कि देखिए कुछ कंपनी का नियम होता है, बिजली कंपनी का कुछ रेगुलेशन होता है। तो पहले हम बात करते हैं बिल क्यों आता है आपका। तो देखिए बिल इसलिए आता है आपका क्योंकि देखिए आपके नाम पर एक लोड फिक्स हो चुका है, आपने चाहे 1 किलोवाट लोड लिया है चाहे 2 किलोवाट लोड लिया है। देखिए आप यूनिट नहीं यूज करेंगे ना, उससे कोई ज़रूरी नहीं है, आप कंजम्पशन नहीं करेंगे बिजली का, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर भी आपका जो आपको आपके नाम पर जो आपके मीटर के ऊपर जो लोड फिक्स किया गया है कि 1-2 किलोवाट आपने कनेक्शन लोड लिया है, तो उस लोड का चार्ज जो है ना बनेगा ही बनेगा, लगेगा ही लगेगा, चाहे आप यूनिट यूज कीजिए या ना यूज कीजिए। अगर आप यूज करेंगे तो यूनिट का अलग चार्ज लगेगा और इस लोड का अलग चार्ज लगता है, ठीक है। मतलब एक कनेक्शन लोड होता है ना, उसका चार्ज अलग लगता है बिल में, और एक आपका जो यूनिट यूज करते हैं आप जिसका पैसा लगता है वो अलग लगता है, ठीक है। जिसका बल्ब जलाते हैं या कुछ भी प्रयोग करते हैं तो उसका पैसा अलग लगता है, मतलब दो तरह का बिल में मतलब बिल बनता है। तो देखिए अगर आप कुछ यूज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं जलाएंगे, कुछ भी मतलब मीटर के बगल साइड में आप कुछ भी नहीं यूज करेंगे तो आपको फिर भी बिल देना पड़ेगा। तो बिल इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आपने कनेक्शन लोड ले रखा है और वो लोड आपके कनेक्शन पर फिक्स है, आप चाहे यूज करते हैं चाहे नहीं यूज करते हैं। तो देखिए आपने 2 किलोवाट का लोड लिया है, अगर आपके गाँव का होगा, बिहार का बता रहा हूँ, गांव का होगा तो आपको 40 रुपये प्रति किलोवाट होता है, तो 80 रुपये बिल आपका बनेगा। इसके बाद कुछ 4 रुपये मतलब विद्युत कर आता है, मतलब जो बिल जनरेट करना था उसका आता है, और कुछ उधर उधर लगा के आपका 100 रुपये का बिल बन जाएगा, 90 रुपये से तो कम बिल नहीं बनता होगा, ठीक है। अगर आप कुछ यूज कर जाते हैं या बोर्ड आपने लगाए होंगे और उसमें अगर आपका वो इंडिकेटर जलता होगा तो आपको 100 रुपये बन जाएगा। तो ऐसा कुछ है दोस्तों, मतलब बिल इसलिए आता है कि आपने कनेक्शन लोड ले रखा है, लेकिन आगे जाके ये स्मार्ट मीटर जब लगेगा ना तो हो सकता है बिल आपका नहीं आएगा और आपको मतलब चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जैसे फिक्स चार्ज होता है वो शायद नहीं देना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, अभी पूरा तरह का एक्सप्लेन नहीं हुआ है तो आगे हम बताएंगे। तो बिल आपका इसीलिए जनरेट होता है, आपको बता दें, अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करके जरूर जाएगा, और जिस किसी को भी ऐसा ज़रूरत होगा तो आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा और हमारे प्लेलिस्ट दिखा दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा।